क्या होता जा रहा है मुझे। शुरू से ही वो मुझे नहीं चाहती थी। अब क्यों ज्यादा महसूस होने लगा है? शायद अब ज्यादा दुख होता है, अब ज्यादा एहसास होता है। खुद ही से सवाल, खुद ही से जवाब। पता नहीं क्या बनेगा मेरा। अम्मा, अम्मा, अरे क्या है? सूरज सर पर चढ़ गया, जगाया ही नहीं मुझे। काम पर नहीं जाना था क्या? जाना है, मगर आज मैं अकेली जाऊंगी। तू घर पर रहकर ना घर के काम कर लेना। क्या मतलब है तेरा? मतलब ये है कि एक दुपट्टा भी नहीं बचा पहनने के लिए। घर पर रहकर कपड़े धो लेना, सफाई वगैरह कर लेना, मैं बंगले का काम कराती हूँ। लेकिन अम्मा, समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हूँ मैं? घर की हालत देखी है? अम्मा इस घर की हालत ना सदियों से खराब है, अब नहीं सही होने वाली। अरे वाह वाह, अरे देखो तो सही, महारानी साहब को जबान कैसे चलती है। हाथ चलाने का कह दो तो बहस शुरू कर देती हो। घर का काम करते हुए तकलीफ होती है क्या? वहाँ बंगले पर तो बड़ी खुशी खुशी भाग भाग के काम करती हो। अम्मा तूने बंगले का फर्श देखा है? वहाँ झाड़ू तो खुद ब खुद फिसलती है, और वहाँ का पोछा हमारी बेडशीट से ज्यादा साफ और अच्छा होता है, और वहाँ तो हर काम के लिए मशीनें हैं। रूही के हाथ भी खराब नहीं होते। हरी बस कर दे, बस कर दे, अपने आके दरवाजा बंद कर और अपनी ये जबान भी बंद कर। अब मैं आऊँ ना तो सारे काम हुए हुए देखूँ। अच्छा चला, दरवाजा बंद कर ले, खुद ही कर लेना बंदी। रूही काम करने के लिए पैदा नहीं हुई है, रूही तो राज करने के लिए पैदा हुई, और एक दिन ये पूरी दुनिया देखेगी रूही का राज।